मध्य प्रदेश के खरगोन में एक खेत के ट्यूबवेल में कुत्ते के 3 बच्चे गिर गए। जैसे ही लोगों को पता चला, लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान कर्तव्य स्ट्रे एनिमल वेलफेयर संगठन ने मानवता दिखाई और जेसीबी बुलाकर शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। 16 फीट की खुदाई और 6 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कुत्ते के 3 बच्चे सुरक्षित निकाले। कुत्ते के बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। अब तक बोरवेल में बच्चों के गिरने और घंटों रेस्क्यू चलने के मामले सामने आए हैं, लेकिन खरगोन जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर टेमला रोड पर एक खेत में कुत्ते के 3 बच्चे खेलते खेलते अचानक बोरवेल में गिर गए। कुत्ते के बच्चों के बोरवेल में गिरने पर भीड़ जुट गई और निकालने के लिए सभी प्रयासरत थे। तभी कर्तव्य स्ट्रे एनिमल वेलफेयर संगठन ने मानवता की मिसाल पेश की और तत्काल जेसीबी मशीन बुलाकर बोरवेल के पास करीब 20 फीट का गड्ढा खोदा और गड्ढे में उतरकर बोरवेल से 3 कुत्ते के बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। कुत्ते के बच्चे मात्र 3 दिन के थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जब 3 कुत्ते के बच्चे सुरक्षित बाहर आए तो लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आज आपके द्वारा रेस्क्यू किया गया श्वानों को क्या मामला था पूरा? एक्चुअली आज सुबह हमको 11 बजे कॉल आया था सची प्लांट से कि हमारे जो डॉग्स होते हैं उनके 3 बच्चे बोरवेल में गिर चुके हैं। तो हम लोग वहाँ पर रेस्क्यू करने पहुँचे। फिर हम लोगों ने वहाँ पे जेसीबी से पूरी खुदाई कराई, जो मैक्सिमम 16 फीट तक हमने उसको खोदा। उसके बाद हमको 3 बच्चे जिंदा वापस मिले। ठीक, इससे पूर्व कितनी देर चला रेस्क्यू आपका? हमारा 5 से 6 घंटे रेस्क्यू चला। इससे पूर्व में भी कराया आपने? हाँ, हमने इसके पहले भी बहुत से रेस्क्यू करे हैं। कुछ बच्चों के पैर टूट गए थे, कुछ सुन नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते और कुछ को कुछ प्रॉब्लम्स है। तो इलाज भी करवाया? हम लोग उनका इलाज भी करवा रहे हैं। जो लोग वो शेल्टर पर उनको छोड़ जाते हैं, हम उनका खुद से इलाज करते हैं। दीक्षांत ताम्रकर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।